नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। नेपाल की तराई में लगातार हो रहे भीषण बारिश के कारण मधेपुरा के विभिन्न भागों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें कि आलमनगर प्रखंड सहित पूरे जिले भर के विभिन्न इलाकों में घर के साथ साथ धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के खेत बड़ी बड़ी नदियों में तब्दील हो गए। इसी सिलसिले में पहुंचे आलमनगर प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पंचायत सचिव सुधीर मंडल, प्रखंड उपाध्यक्ष सकलदीप पासवान, संजय कुमार सहा एवं निर्मल सिंह के साथ आलमनगर प्रखंड के बड़ा गांव खापुर, रतवारा, सुखार घाट, गंगापुर, एटहरी सहित अन्य बाढ़ से प्रभावित इलाके का जायजा लिया। खापुर पंचायत के महादलित टोला में सभी लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। जदयू प्रखंड अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने आश्वासन दिया कि सभी पंचायत पुनर्बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। सभी परिवारों को सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित माना गया है। सभी परिवार को सूखा राशन 6,000 रुपए और जो घर से बेघर हैं उनको पॉलिथीन भी दिया जाएगा। किसान का पानी में जो फसल क्षति हुई है उसको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। आलमनगर से अमरजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।